लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंच चुके हैं। आज उनका जनसंवाद है और चार प्रोग्राम है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के। फिलहाल देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंच चुके हैं और आज चार जनसंवाद है करनाल के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के। पहला कार्यक्रम जो है करनाल के सेक्टर 13 में है, जहाँ पर ये जनसंवाद होगा। उसके बाद गांव रतनगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जनसंवाद है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उच्चाना के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जनसंवाद रहने वाला है। शाम को लगभग साढ़े 5 बजे लगभग शाम को रामनगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जनसंवाद रहने वाला है। फिलहाल देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। वही पार्षद जो है वो भी स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं जो जिला अध्यक्ष है योगेंद्र राणा, वो भी बूके देकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। सेक्टर 13 निवासी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वागत करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हमारे आप सभी से अपील, इस खबर को देखने वाले खबर को शेयर अवश्य करें। देख सकते हैं कि बुके देकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वागत किया जा रहा है और ये लाइव तस्वीरें आप करनाल के सेक्टर 13 से देख रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चार जनसंवाद हैं। और देख सकते हैं फिलहाल सभी कार्यकर्ता हैं और सेक्टर 13 के जो निवासी हैं वो यहां पर जरूर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो समस्याएं हैं सेक्टर 13 के लोगों के, उनको भी दूर करने की आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोशिश करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं कि सभी स्वागत जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं और आम लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो भी यहां पर आज दूर की जाएंगी, क्योंकि संबंधित जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंचते हैं। जो जनसंवाद होता है वहां पर संबंधित अधिकारी भी पहुंचते हैं और जो भी छोटी छोटी समस्याएं होती है वो दूर करने का प्रयास जरूर किया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जनसंवाद के दौरान जिन महिलाओं की, जिन बुजुर्गों की पेंशन बनी हुई है उनको ये कार्ड पकड़ाए जा रहे हैं और इनकी पेंशन लग चुकी है और इनके खाते में अब पैसे पहुंच जाएंगे। 3 ऐसे करनाल के सेक्टर 13 के बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन लग चुकी हैं और ऐसे ही कार्यक्रम में इन्होंने अपनी पेंशन लगवाने के लिए, बुढ़ापा पेंशन जो होती है वो समस्याएं स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने रखी थी। और फिलहाल सेक्टर 13 के जो निवासी हैं उनकी पेंशन लग चुकी है, उनको ये कार्ड पकड़ाए जा रहे हैं और इनकी पेंशन अब इनके खाते में आ जाएगी, बुढ़ापा पेंशन। फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन योगा करने वाले को तो पेंशन जो 75 में लेनी चाहिए। तो फिलहाल देख सकते हैं जनसंवाद के दौरान जिन लोगों की पेंशन लगी थी, जिन बुजुर्गों की पेंशन लगी थी, उनको पेंशन के जो कार्ड है वो दिए गए। करनाल के सेक्टर 13 से आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे। आज सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल हैं और उनके चार प्रोग्राम है जनसंवाद के। पहला जो कि सेक्टर 13 में था वो फिलहाल हो चुका है। यहाँ पर लोगों ने काफी समस्याएं अपनी उनके सामने रखी, काफी समस्याएं प्रॉपर्टी से लेकर थी जिनका कागजात ले लिए गए और जिन समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया, कुछ समस्याएं ऐसी भी थी। फिलहाल इसके बाद रतनगढ़ में जनसंवाद है, रतनगढ़ गांव है जो कि करनाल में ही, वहां पर जनसंवाद है। उसके बाद उनका जनसंवाद उच्चाना गांव में है और उसके बाद रामनगर में शाम को 5 बजे उनका जनसंवाद रहने वाला है, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। संबंधित अधिकारी मौके पर होते हैं, अगर मौके पर समाधान हो सके तो ठीक, नहीं तो बाद में उन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। फिलहाल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में काफी उनके जनसंवाद हो चुके हैं, करनाल के सभी वार्डों में जनसंवाद हो चुके हैं, लगभग 23 वार्ड में जनसंवाद हो चुके हैं इनको मिलाकर जो आज प्रोग्राम होंगे, और 3 वार्ड बचेंगे उनमें भी मुख्यमंत्री का कहना है कि उसके बाद जनसंवाद कर दिए जाएंगे और सभी वार्डों के लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। हमारे आप सभी से अपील, इस खबर को देखने वाले खबर को शेयर अवश्य करें।